टीम सोल देखिए यहाँ पे जनरली देखा जाता है मार्कोस गेमिंग जाती है अटैक करने के लिए टीम सोल के ऊपर छोटे छोटे कंपाउंड्स में, बट यहाँ पे टीम सोल ने रिटेलिएशन करके दिखाया। द प्रॉब्लम है सूर्या, जो पोजीशन सूर्या की है वो बहुत शानदार है और यहाँ पे ग्रेनेडियर ड्राइवर को अच्छा खासा डैमेज भी मिल गया सूर्या के द्वारा। इस एग्जैक्टली आई थिंक यहाँ पे सूर्या का पोजीशनिंग बिल्कुल भी ठीक था, बट रेगलटॉस राइट साइड से आ चुका है, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ध्यान नहीं दिया जिस वजह से सूर्या को वहां पे उनको टेक डाउन कर दिया। That was a good collateral. वाइपर यहाँ पे फंस चुके हैं, टीम यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे रश करते नजर आएंगे कि वाइपर नॉक करेंगे। वाइपर ने एक प्लेयर को जरूर नॉक करा, बट साथ ही साथ उनको भी ट्रेड यहाँ पे कर दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉक होते हैं तो सीधा आपको फिनिश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे टीम्स। रेगलटॉस की पोजीशन काफी अच्छी है, ये नेड अगर कनेक्ट होगा वीरू को भी नॉक करेगा और नॉक प्लेयर एनिग्मा के सीजी को उनको खत्म भी करेगा। वही हुआ वहाँ पे ग्रेनेडियर ड्राइवर मावी का अमेजिंग एफर्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे टीम को दो प्लेयर्स को गवा चुकी है एंड टीम एनिग्मा भी यहाँ पे अब आखिरी मैच के साथ आगे बढ़ेगी और यहाँ पे रोलर कमाल का एफर्ट दिखाते नजर आएंगे। मावी यहाँ पे और मावी टीम सोल की नैया को पार लगाते नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे 8 फिनिशेस टीम सोल निकाल चुकी है, ये अलग लेवल पे सोल जा चुके हैं। दिस इज विंटेज सोल जो अपनी ताकत दिखाते हुए आपको नजर आएगी स्कूल के अंदर, ये शेड्यूल कर रहा है। और ऊपर अगर आप बात करें के इविल सूर्या भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक मावी ने स्पॉट कर लिया है। मावी यहाँ पे आपको देख सकते हो कि अब जा रहे काउंटर अटैक करने के लिए सूर्या को, सूर्या अकेले हैं। आईवाईडी के लिए देखना पड़ेगा, मोलोटॉव निकाले, थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश किया, स्मोक किया गया है, बट नहीं, मावी की क्रॉसहेयर से आप इतनी आसानी से तो नहीं बच सकते। सूर्या बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं, बट सामने से मावी को भी काफी अच्छा खासा डैमेज पड़ा है, बट नहीं, सूर्या पोजीशन में ले, बॉली और रेगलटॉस का कवर फायर आया एंड सूर्या को भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है। पुकार अकेले है, बट टीम आईएनडी के स्नैक्स स्लेयर एक काफी अच्छा खासा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बट नेट स्लैमिन आया, मॉर्टल को टर्न कर चुके हैं, क्लाउड को भी टर्न करेंगे। आईएनडी स्नैक्स फॉर यू गाइस एंड बट इन द एंड आई वुड लव टू सी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहाँ पे आई थिंक सॉरी नॉट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टीम ब्लाइंड क्या उनके ऊपर अटैक किया जाएगा टीम ऑरेंज रॉक की तरफ से। मीनवाइल यहाँ पे कैनेडियन ड्राइवर को नॉक करा गया, एक लॉन्ग रेंज फाइट है तो शायद यहाँ पे अभी फिनिश ना मिल पाए, रिवाइव मिलने के चांसेस ज्यादा है और रिवाइव यहाँ पे मिलता भी नजर आएगा। बट सोल रेगलटॉस के पास अगर आप आर्मर देखें इतनी सारी फाइट्स के बाद अब जो उनके पास आर्मर है वो है लेवल 1 का, जो उनको थोड़ा सा बैकफुट पे लेके जाएगा जब 1v1 की फाइट होगी। स्मोक यहाँ पे कर रहे हैं, कहावत है और मेरे ख्याल से सबने सुनी होगी, लक फेवर्स द ब्रेव and Soul played bravely in this one, so I think they got the luck, they got the stone, but you know यहाँ पे responsibilities के साथ ना, सॉरी मैं कहना चाहूंगा ताकत के साथ responsibilities भी काफी सारी आती है और वो responsibility यहाँ पे ये होने वाली है। Can do here ओके, यहाँ पे स्पॉट किया, ओके साथ ही साथ टॉप डॉग एंड ऑस्टिन एक दोनों को टेक डाउन करेंगे। बाबा टोंडे का स्प्रे यहाँ पे काफी एक्यूरेसी दिखाते हुए एंड आई थिंक एकेएम के साथ इतना एक्यूरेसी दिखाना, इस वजह से ही इंटरेस्ट को हम प्रो प्लेयर्स बोलते हैं। सामने से पुश आ चुका है, कैन ही डू इट, एक्सेप्ट आउट, व्हाट इज द क्लच, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ गाय। बाबा टोंडे डज द जॉब फॉर हिज टीम, बनाने की कोशिश कर उनको डैमेज पड़ जाए इंस्टेंटली एंड उसका उनको और फायदा मिल गया। बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से 28,900 एक्चुअली 29,000 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ एंड वी आर क्लोजिंग इन ऑन 50K सब्सक्राइब और 50K कह रहा हूँ 50K लाइक्स गाइस, 50,000 लाइक्स होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग खेल रहे हैं अपने आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जुनून के लिए, अपने ग्राइंड के लिए और हमारे फैंस के लिए जो यहाँ पे देख रहे हैं। कैनेडियन ड्राइवर स्पॉट करते हुए डेस्ट्रो के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज दिया, 1 HP के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे डेस्ट्रो भी प्लेयर्स हैं जो उसी स्पॉट के लिए जाना चाहते हैं एंड आई थिंक 2 प्लेयर्स बचे रहना एंड हमेशा हम बोलते हैं कि एंड जोन में आपको 4 प्लेयर्स की जरूरत होती है, बट मावी एंड रेगलटॉस बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट टॉप व्यू देखने को मिल रहा है। ब्लाइंड के विलियम्स आई थिंक अकेले फंसे हुए हैं, बहुत ही कम एचपी पे प्ले जोन का शिकार बनेंगे। रेगलटॉस का पोजीशन आई थिंक रेगलटॉस ने यहाँ पे स्पॉट किया था, स्लेयर को भी ड्रॉप कर देंगे मावी यहाँ पे एंड दलजीत फिर से अकेले बचे हुए हैं। दलजीत के लिए फिर से एक और बड़ा चैलेंज, बट जिस तरीके से सोल ने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन रेगलटॉस आएंगे ताकि यहाँ पे वो फिनिशेज हो सिक्योर कर ले, बट दलजीत के पास अभी कोई प्लेयर है नहीं सपोर्ट दिखाने के लिए। बट डेस्ट्रो भी यहाँ पे टीपी का स्प्रे दिखाते हुए उन्होंने भी अपने इसके 2 प्लेयर को वहाँ पे टेक डाउन किया, बट आई थिंक डेस्ट्रो ने एक प्लेयर रैत को टेक डाउन किया एंड गिल ने वहाँ पे स्मोकी को टेक डाउन किया। बिल्कुल ऑरेंज रॉक भी धीरे धीरे करके इंच बाय इंच जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश में है। दलजीत जो अभी भी वहां पे आखिरी प्लेयर बचे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। हियर यू गो दलजीत, नॉक यहाँ पे सोल रेगलटॉस को, बट ये जो कवर फायर आज देखने को मिल रहा है टीम सोल की तरफ से, जो सिनर्जी देखने को मिल रही है टीम सोल की तरफ से वो अलग लेवल की है और एक परफेक्ट स्टेज पे टीम सोल यहाँ पे चमकते नजर आ रही है। 12 फिनिशेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर लुकिंग गुड, ऑरेंज रॉक लुकिंग इनसेन एज वेल विद 7 फिनिशेस एंड द गुड थिंग अबाउट ऑरेंज रॉक इज के उनके 4 प्लेयर्स अभी जिंदा है, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज उनको दे सकती है। बट सोल के पास क्या एडवांटेज आएगा, उनके पास एडवांटेज आएगा कि लूट जो वहां पे लेके आई है टीम आईडी वो मिल सकती है और यहाँ पे लूट चाहिए क्योंकि रेगलटॉस के पास हेलमेट नहीं है, मवी का हेलमेट बिल्कुल डैमेज्ड है, मैं देखना चाहूंगा क्या वो चीजें उनको मिलती है। और डेस्ट्रो की बात कर लीजिए, डैमेज तो सब कुछ है, हेलमेट वेस्ट है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल समझ लीजिए आप। आई थिंक फिर ओपन जोन जब भी होता है ना, मैं समझता हूँ कि आप फ्रेश हेलमेट वेस्ट के साथ, बहुत रेयर केस सिचुएशन होता है जहाँ पे आप फ्रेश हेलमेट वेस्ट के साथ शायद चिकन डिनर लेके निकल सकते हैं, बट जो आपने कहा ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, चारों प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा हैं एंड वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन में एक भी नेड गिरता है ना, तीन प्लेयर्स, बट जोन देखो ऐसे सोल को फेवर कर रहा है, आई थिंक ये उनको सपोर्ट भी कर रहा है एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने तालमेल दिखाया है वो यहाँ पे उनको एक चिकन डिनर दिला सकता है। अच्छा मावी मैजिक आपको देखने को मिल रहा है जोन में। आई थिंक जोन ने उनको मैग्नेट की तरह पकड़ लिया है, बट अभी के लिए 4 फिनिशर्स यहाँ पे मावी के हैं, 5 फिनिशर्स सोल रेगल तो उसके हैं और जोन उनके फेवर में है। बट आई थिंक एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे टीम सोल को कि अब जो बाकी टीम्स है वो जोन की तरफ बढ़ेंगी, स्पेशली टीम ऑरेंज रॉक जिनके पास चारों प्लेयर जिंदा है, वो एडवांटेज ऑरेंज रॉक को काफ़ी मदद करेगा। और टीम सोल के पास एक डिसएडवांटेज है कि हेलमेट्स अच्छे नहीं है वहाँ पे। अभी हमने देखा था और आदित्य को लेवल 3 का हेलमेट था, वो भी फुल पावर के साथ वहाँ पे। तो सारंग को भी मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, इट्स गोइंग टू बी 2v4 सिचुएशन, जो करंटली एक 2v4v1 सिचुएशन है। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे सिचुएशन बनती क्या है, चिकन फाइनली निकालता कौन है। सारंग फाइनली एक अच्छा शैक उन्होंने पकड़ लिया, तो एक्चुअली ये नो इट्स ओवर, इट्स गोइंग टू बी 2v4। लेट्स सी व्हाट दीस टीम्स कैन डू नाउ। आदित्य उसी पोजीशन पे आ रहे हैं जहां पे सारंग थे, एक 4v2 सिचुएशन में फंस चुके हैं, सिक्वेल वर्सेस ऑरेंज रॉक, काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक फील, क्योंकि आई थिंक ये प्लेयर्स बहुत बार आमने सामने भिड़ चुके हैं। बट अभी मौका है यहाँ पे फिर से एक और बार यहाँ पे स्कोर्स लेवल करने का। बट मावी क्या अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा पाएंगे, रेगलटॉस क्या अपना सॉर्टिंग स्किल्स दिखा पाएंगे, ऑरेंज रॉक यहाँ पे कोशिश करेंगे, फुल पावर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 4v2 सिचुएशन है, नंबर्स एडवांटेज यहाँ पे है जरूर ऑरेंज रॉक के पास। बट जब तक मावी एंड रेगलटॉस जिंदा है, आई एम श्योर यहाँ पे सोल के फैंस हैं वो खुद यहाँ पे विश्वास रखने के निकाल सकते हैं। बट होप तो यहाँ पे जरूर है, कैनेडियन ड्राइवर मतलब परफेक्ट है वहाँ पे फरारी पिक। बट अभी के लिए आखिरी प्लेयर बचे, रेगलटॉस को यहाँ पे नॉक कर दिया, 1v3 सिचुएशन, लास्ट मावी लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक और प्लेयर को नॉक कर सकते हैं, दोबारा से पकड़ा उसको, दोबारा से फिक्स करने की कोशिश, जब छुटाता हुआ देखते वहाँ पे आते हुए एक 3v1 सिचुएशन है। टीम ऑरेंज रॉक एक शानदार विनर चिकन डिनर लेके जाती हुई आपको नजर आएगी यहाँ पे T1 शोडाउन में।